भोपाल इंदौर, भोपाल जबलपुर, रांची पटना, धारवाड़ बेंगलुरु, गोवा मुंबई। 5 गुना पर्यटन, 5 गुना तीर्थाटन, 5 गुना संचार, 5 गुना व्यापार, 5 गुना गति। सब कुछ बढ़ेगा 5 गुना, क्योंकि लॉन्च हो रही हैं 5 वंदे भारत एक्सप्रेस एक साथ। भारत के विकास को हमेशा गति देता रहा है भारतीय रेल। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते भारत की जरूरतों के अनुरूप ढलते हुए भारतीय रेल ने भी अपने स्वरूप में बड़ा बदलाव किया। नए भारत के लिए नया अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नई लाइंस और एक नया विस्तार। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षी भारतीय दोनों का प्रतीक बन रही है। आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है, गुजरती है, तो उसमें भारत की गति दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रही है वंदे भारत ट्रेन। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ। पहली भोपाल से इंदौर, दूसरी भोपाल से जबलपुर, तीसरी रांची से पटना, चौथी धारवाड़ से बेंगलुरु और पांचवी गोवा से मुंबई के मध्य शुरू हो रही हैं वंदे भारत ट्रेनें। यात्रा का अनुभव भी बदलेंगी और विकास के मायने भी। महाराज भोज की नगरी भोपाल से महारानी अहिल्याबाई की कर्मभूमि इंदौर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस महाकाल कॉरिडोर, मंगलनाथ, भीमबेटका जैसे प्राचीन स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुलभ बनाएगी यात्रा। 4 घंटे का सफर अब लगभग 3 घंटे में पूरा होगा। साथ ही भोपाल से पचमढ़ी, भेड़ाघाट, 64 योगिनी मंदिर जैसे दर्शनीय स्थलों में घूमना होगा और भी सुलभ। भोपाल से जबलपुर की यात्रा का समय लगभग 4.5 घंटे हो जाएगा। बिरसा मुंडा की धरती झारखंड की राजधानी रांची और पटना के मध्य संचालित हो रही झारखंड बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कोडरमा और बरकाकाना की दुर्गम पहाड़ियों को काटकर बनाई गई विशेष लाइन से गुजरेगी, जिससे यात्रा के समय में 1.5 घंटे से ज्यादा की बचत होगी। वहीं शिक्षा, कला और विरासत के केंद्र हुबली, धारवाड़, ट्विन सिटीज और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को जोड़ती नई वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। 488 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ 6.5 घंटे में तय होगी, जबकि गोवा और मुंबई के मध्य शुरू हो रही गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कोंकण की खूबसूरती और सह्याद्री के मनमोहक घाटों तक पहुंच सुलभ बनाएगी। अब गोवा से मुंबई सिर्फ 8 घंटे में पहुंचना संभव होगा। आज इन 5 वंदे भारत ट्रेनों के शुभारंभ के साथ ही सभी विद्युतीकृत ट्रैक कनेक्टिविटी वाले राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल गई है। आत्मनिर्भर भारत के विजन को नई मजबूती देती वंदे भारत अब देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ पर्यटन, अर्थव्यवस्था, सुगम यात्रा को मिल रहा है नया आयाम और बढ़ रही है अमृतकाल में भारत की प्रगति की गति।